2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से $2.3 बिलियन में जैगवार लैंड रोवर कंपनी खरीद लिया। उस समय JLR का बिजनेस काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। JLR एनुअली $1.1 बिलियन का लॉस रिपोर्ट कर रहा था, बट फिर भी रतन टाटा सर ने ये लॉस मेकिंग मशीन खरीदा, क्योंकि JLR को लेकर रतन सर के पास काफी बड़े प्लान्स थे। सबसे पहले उन्होंने JLR के मैनेजमेंट टीम में सुधार किया और एक प्रॉपर कैश मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप किया। उन्होंने इन हाउस इंजन डेवलप करना शुरू किया जो कि काफी फ्यूल इफिशियंट थे। इसके साथ ही JLR का फोकस काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव लग्जरी सेडान सेगमेंट से न्यू लग्जरी SUV सेगमेंट की तरफ शिफ्ट किया गया। JLR की सेल ग्लोबली हर साल काफी तेज बढ़ने लगी। JLR का एक्विजिशन केवल JLR के लिए ही नहीं बल्कि टाटा मोटर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल साबित हुआ। पिछले साल 2021 में टाटा मोटर्स ने $30 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से $22 बिलियन JLR ने कंट्रीब्यूट किया था, यानी कि टाटा मोटर्स की कुल रेवेन्यू का 73.3%।